महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हम योजना अंतर्गत ठेकेदारी तत्व पर कार्यरत सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पिछले 10-12 साल से नियमित काम कर रहे हैं। जबकि आला अधिकारियों ने दिए काम बड़े ही जिम्मेदारी के साथ पूरे करते आ रहे हैं। कोरोना काल में इन कर्मचारियों ने बखूबी से अपने कामों को अंजाम दिया था। जब किसी प्रकार की सुविधा न होते हुए भी कोरोना काल में अपने जिम्मेदारियों को निभाया। फिर भी 4 से 5 सालों से किसी प्रकार का मानधन इन कर्मचारियों का नहीं बढ़ाया गया। पारशिवनी पंचायत समिति के परिसर में बुधवार सुबह इन कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना आंदोलन में शामिल होकर काम बंद आंदोलन कर महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगाते हुए हमारी मांगे पूरी करने का अनुरोध आंदोलन के माध्यम से किया। आंदोलन में शामिल कर्मचारियों ने धरना देते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना स्वतंत्र रूप तैयार किए जाए, साथ ही ठेकेदारी तत्व पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पश्चिम बंगाल की धरती पर कर्मचारियों को मानधन दिया जाए, ग्राम रोजगार सेवक की ओर से हो रहे आंदोलन में की जा रही मांगे तत्काल मानी जाए, मध्य प्रदेश सरकार की तरह इन कर्मचारियों की आयु सीमा 62 साल तक की जाए और भी मांगे आंदोलन में शामिल कर्मचारियों ने इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार से की है। अगर महाराष्ट्र सरकार इन मांगों को नजरअंदाज करता है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन की चेतावनी आंदोलनकारियों ने दी है। आंदोलन में शामिल प्रकाश देशमुख, नंदकिशोर रामटेके, दामोदर कोचरे, दिनेश कामड़ी, रविंद्र भगत के साथ इस आंदोलन में ग्राम रोजगार सेवक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। मनरेगा अंतर्गत आमच्या प्रमुख 5 मागण्या आहेत की मनरेगा ही स्वतंत्र यंत्रणा व्हावी आणि MRDS अंतर्गत कार्यरत सर्व कंत्राटी कामगारांनी ज्यांना आकृतिबंध नियोजनामध्ये आपलं समाविष्ट करावे। दुसरी जी आमची मागणी आहे की ही आहे की पश्चिम बंगालच्या धर्तीवरती आम्हाला जे मानधन आहे ते लागू करण्यात यावं। ही तिसरी आमची जी मागणी आहे ती ही आहे आम्हाला की ज्या ठिकाणी मध्य आपल्या प्रदेशाच्या धर्तीवरती आम्हाला 62 वर्ष सेवा आपलं सर्वेक्षण आपलं देण्यात यावे आणि ग्रामरोजगार आपले सेवक आहेत यांच्या मागण्या आता पूर्ण व्हाव्यात अशा एकूण आमच्या 4 मागण्या आहेत। त्याच्या अनुषंगाने आज आमचं 1 दिवसीय लाक्षणिक ते संपामी आता 18 तारखे जर आजच्या 18 तारखेच्या कार्यक्रमामध्ये जर शासनाने या आमच्या मागण्यांवरती विचार आपला केला नाही तर 25 तारखेपासून आम्ही असहकार जे आहे आता आंदोलन ते आम्ही आता करणार आहोत। त्या ठिकाणी MIC आपला रिपोर्ट त्याच्यानंतर अहवाल आपला सादर करणे, लेखणी मान्य करणे आणि एक फरवरीपासून आम्ही बेमुदत काय म्हणतात त्याला ते संपावरती जाणार आहोत। पारशिवनी से BCN न्यूज के लिए रुपेश खंडारे।